राधे राधे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य फल की, जिसको सुनने से न केवल वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है बल्कि ढेर सारा पुण्य भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत पे एक दिन शंकर जी और पार्वती जी बैठे हुए थे। तभी पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हे प्रभु, मुझे बताइए कि श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य क्या है, उसे सुनने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति कैसे मिलती है। तभी शंकर जी ने उत्तर देते हुए कहा कि गीता मुझे भी अत्यंत ज़्यादा प्रिय है। गीता की वजह से ही मैं तीनों लोकों में पूजा जाता हूँ। और यही सवाल लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु भगवान जी से भी पूछा था। तभी विष्णु भगवान ने भी जवाब देते हुए कहा था कि गीता का मैं सतत चिंतन करता हूँ और गीता मेरा शब्द रूपी देह है। तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो दक्षिण देश में एक पूरण नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बहुत ही दुराचारी था। वो अपना सारा समय खराब कामों में अर्पित करता था। तो एक दिन वह अपनी बकरी चराने के लिए जंगल में गया, जहाँ उसको एक सांप ने डस लिया। परंतु उसके खराब कामों की वजह से उसका जन्म एक अपंग भिखारी के यहाँ एक बैल के रूप में हुआ। वह भिखारी रोज भीख मांगने को जाता था, पर एक दिन उसे भीख न मिलने की वजह से उसने अपने बैल को खाना नहीं खिलाया। कमजोरी की वजह से वह बैल रास्ते में ही बेहोश हो गया। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, पर उसके बहुत ही बुरे कर्मों की वजह से उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तभी एक औरत ने उसके कान में आके कुछ कहा और बैल की तुरंत ही मृत्यु हो गई। वह बैल फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, परंतु उसको उसके पिछले जन्म में सब कुछ याद रहता है और वह उस औरत को ढूंढने निकलता है। वह औरत एक वेश्या होती है जो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी होती है। जैसे ही वह औरत के पास पहुंचता है, तभी वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे ऐसा मेरे कान में क्या कहा जो मेरे प्राण निकल गए। तभी उस औरत ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा तोता है जो बार बार एक ही श्लोक का आवाहन करता है और वह श्लोक मुझे भी याद रह गया। वही श्लोक मैंने तुम्हारे कान में भी कहा था। तो उन दोनों ने उस तोते से पूछा कि तुमने ये श्लोक कहाँ से सुना है। तभी तोते ने कहा कि वह यहाँ से पहले एक ऋषि मुनि के वहाँ था, जो रोज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 का पाठ करते थे। उसके कुछ ही समय बाद उसे एक पाराधी ने पकड़ लिया। उसके बाद उस पाराधी ने उस तोते को इस वैश्या के यहाँ बेच दिया। तभी से वो श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 1 का पाठ रोज ही बोलता था। तो इसी तरह वह तोता और ब्राह्मण रोज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 का पाठ करते थे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि वह तोता, वैश्या और यह ब्राह्मण तीनों लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के पाठ से वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। राधे राधे।